अभी जो है दोस्तों हम यहाँ पे प्याज भून रहे हैं, पतीला बिल्कुल काला हो गया है। घर पे जाके गाली भी खाने वाले हैं हम लोग। सामने टॉप में आप देख सकते हैं ये दीवा मंदिर, ये बिल्कुल सामने काफ़ी दूरी पे, काफ़ी हाइट पे है, तो यहाँ भी एक बार हम जाएंगे तो वहाँ से जीगर मिलाएंगे। लार चलते हैं दोस्तों, अब थोड़ा और आगे के लिए निकल रहे हैं। अब पिक्चर के लिए ऐसा कुछ भी पॉइंट जैसे डिस्कवरी में दिखता है, हमारे पास तो डंडा भी नहीं आना भाई, डंडे डंडे का भी जुगाड़ करो और कुछ आ जाएगा मुँह पे भाई। Time 1 hour 15 minutes. Distance 2.65 kilometers. थोड़ा सा और आगे जाके सही हो जाएगा रास्ता। बस हम भगवान के भरोसे लगे हुए हैं, वो करेंगे रक्षा, इसलिए चलते रहो। इधर की जो लोकेशन है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, देखने लायक जैसे बोल सकते हैं लोकेशन। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताते भी रहना, मज़ा आएगा आपको वीडियो देख के। तो बताना यहाँ से अगर देख रहे हो यहाँ पे तक भी देखिए आपने अब तक हैं। हाँ आए होंगे जो दोनों नीचे बाइक है शायद, एक वो है जो तुम्हारे दोस्त है जो शायद लग रहा है मुझे। यहाँ तक तो लोगों ने चूल्हा बना रखा है, ये देखो आलो, ये रास्ता आया तो है ना। आगे जाके देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है रास्ता। भटक चुके हैं लोग, हम दोस्तों सही में दोस्तों हम भटक चुके हैं बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं, और ऐसी डेंजरस जगह पे हम आ गए, पत्थर देख सकते हो ऊपर चट्टान, और एक भी पत्थर गिर के नीचे आ गया ना, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और वैसे हम फिसल गए तो भी दिक्कत है। इधर से आओ, आ जाओ। Time 1 hour 20 minutes. Distance 2.66 kilometer. तो रास्ता तो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा, काफी दूर तो हम आ चुके हैं तो कैसे करें। ऊपर तो डेंजर से भाई, ऊपर दिखा दें एक बार, सामने देखिए कितना डेंजरस है वो ऊपर, वहाँ से चढ़ना भी मुश्किल ही है बहुत। भाई रास्ता नहीं है यार, पत्थर गिर सकते हैं।
टाइम 1 आवर 25 मिनट्स, डिस्टेंस 3.18 किलोमीटर। उसमें रास्ता नहीं आ गए थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये पत्थर गिर गए भाई, हड्डी हड्डी। बिल्कुल खतरनाक रास्ता और कैप्टन साहब वहां पे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? जीत है, ये हम सारे रिस्क लेके आज पहुंच चुके हैं टॉप पे। भाई डरता है, जल्दी से भी तो बहुत डर लगता है मुझे, तो कुछ गिर गए ना। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम पर तो पास से जरा चल गया तब निगाह रहता कि बारिश जाएगी एकदम। अरे रा इसको तो आठ आगे चलो डर के आगे जीत है। नीचे हैप्पी बर्थडे। देख तो कितने दरबार जी, डर के बहुत डर लग रहा है हम लोगों को। अरे दार, मैं अभी गाने गाने वाला था। कौन सा? थोड़ा संभल के आना, ठीक है? नहीं आती। अभी हम आ गए 3.5 किलोमीटर आगे हैं। वो है लास्ट, वो तो डाल देंगे बस। वहाँ पे अगर पेड़ होंगे तो फिर मैगी की बनाएंगे, फिर निकल लेंगे घर के लिए वापस, ठीक है? हाँ तो आप उस वाली जगह पे बनाएंगे ना व्यू पॉइंट, वहाँ से नीचे के लिए रास्ता कहाँ मिलेगा व्यू पॉइंट के लिए? अच्छा व्यू जो इधर वाला व्यू है, हैं जो इधर वाला व्यू है ना, जहाँ से हम इधर के लिए आए, व्यू तो ये है। रास्ता दूर से लग रहा है बारीक, पर जब हम इसमें आए हैं तो ठीक है रास्ता।
ये उसका खुली थी कितनी देर बाद। यहाँ रास्ता तो ठीक है ना, इतना बारीक भी नहीं है जितना दूर से लग रहा था बारीक रास्ता। कुछ मैं रहता हूँ खतरनाक सा। यहाँ तक देखो, यहाँ पर किसी चीज़ का वो भी है गोबर। हम कम से कम 4 किलोमीटर आ गए। थोड़ा साइड से आना ऊपर के लिए से, ठीक है। कहाँ हो? आ जाओ। हाँ जी, इधर देखो दोस्तों, धूप दिख रही है और इधर देखो बिल्कुल काला हो गया है। मौसम होने वाला है खराब, ऐसा लग रहा है एडिट कर रहे होंगे वीडियो। इधर काला, इधर धूप बिल्कुल। हमें जाना पड़ेगा टाइम पे। हाँ, क्योंकि अगर मौसम खराब हो गया तो यहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे ढंग से। रास्ता खराब है और पत्थर गिरने का खतरा, ऊपर से पत्थर गिर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। और रास्ता वहाँ पर भी थोड़ी चोट लग गई, चलते हैं थोड़ा सा आगे। हैप्पी बर्थडे है। जल्दी तो नहीं करी भाई मैंने। तो बहुत दूर आ चुके हम लोग, हालत खराब हो चुकी है यहाँ पे। देख सकते हो आप जंगल भी है खतरनाक। नानू भाई कैसे लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है, सही बताया तो है ना। डर ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक तो खाई है बहुत तगड़ी वाली। अच्छा, जब घर पहुंच जाएंगे तब अच्छा लगेगा। मतलब बाकी जो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू है एक नंबर बोल सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है। पर अगर जैसे भी पाँव इधर से उधर हुआ तो हैप्पी बर्थडे हो सकता है। सामने देख सकते हो, सामने व्यू पॉइंट बना रखे हो। चलते आगे, उड़ा सकते हैं बड़ा नीचे। हवा जो यहाँ की विंड है, यहाँ पे पेड़ रोड कम है, बहुत तगड़ी आ रही है। आज जो है हमारा पर्वत रोहण का काम से सड़क भी गिरी नीचे। बस यहाँ पे रुकते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाना है। हाँ, से आस पास की यूज लेते हैं, मैगी बनाएंगे, खाएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे फिर निकलते हैं घर के लिए। ये देखिए दोस्तों, ऊपर की टॉप की चोटी, यहाँ पे नहीं जाएंगे, मौसम भी खराब हो रहा है। यहाँ से देखिए कैसे लग रहा है, आसपास ऐसा लग रहा है कि हम फिर भी अभी कुछ नहीं चढ़े हैं, तो फिर भी यहाँ से बहुत दूर दूर है नज़ारा। नानू भाई कहाँ ले जा रहे हो तुम ऊपर? पेड़ होते तो यहीं पे मैगी बना लेते। ये पेड़ तोड़ के देखते हैं, यही पेड़ इधर ही बनाते हैं, देखते हैं वो जो सूख रखा है, थोड़ी घास तोड़ते हैं। कब लगभग दोस्तों टाइम जो है 1 से 1.5 बजे है। और यहाँ पे हैं जो पत्थर, यहाँ पे मैगी बनाते हैं, फिर चलेंगे वापसी घर के लिए।
जो है दोस्तों वापस के लिए जा रहे हैं और उधर जो है उधर ही बनाएंगे अपने लिए खाने पीने के लिए। मौसम भी ख़राब हो रहा है, अभी देख सकते मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम भी बिल्कुल अब बारिश वाला होने वाला है, तो चलते हैं। तो सामने आप देख सकते हो कहीं भी रास्ता नज़र नहीं आएगा आपको, चट्टानी चट्टाने पूरे देख लीजिए सामने। और हम इधर से आए हैं, इधर से आए हैं रास्ते से, कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा, बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, लेकिन चलते हैं। वीडियो बनानी है तो आना पड़ेगा, हाँ बस आपको अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमने इतनी मेहनत करके चढ़ाई करके 4 किलोमीटर से ऊपर की चढ़ाई हो चुकी है अभी तक, और हमने इतनी मेहनत करी है तो आपको थोड़ा हमें भी सपोर्ट दिखाना है अपना, शेयर ज़रूर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, और अगर आपकी इस वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा तो अगली बार हम जो है दीपा माता जी के मंदिर तो उसे भी जाना ही है, पर अगर आपका जल्दी से जल्दी अगर सपोर्ट आता है तो हम जल्दी से जल्दी माता जी के दर्शन के लिए ले जाएंगे आपको। तो बने ये वीडियो में भी तो आपसे हम यहाँ पा गए रोले पे, देख रहा हूँ वहाँ से पार गए थे, मतलब लग रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता होगा, लग नहीं रहा है कि कोई रास्ता है, नीचे देखो हल्का वाला है ना, जैसे तुमने बोला था उधर के लिए रास्ता नहीं है, वैसे ही होगा क्या था ऊपर के लिए, पर नेक्स्ट टाइम जब हमारे साथ 2-3 लोंडे और होंगे ना, तो और इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा फिर दोस्तों सामने की लोकेशन, अरे भी हमारे उधर से तो यहाँ पर बना रहे हैं हम चूल्हा, भूख हमें लग चुकी है काफ़ी दूर तक आने के बाद, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मैगी वगैरह बनाते हैं, ये चूल्हे की तैयारी हो रही है, नानू भाई यहाँ पे थोड़ा सा चूल्हे का काम करवा रहे हैं, उसके बाद बनाते हैं, थोड़ा सा पेट में कुछ जाएगा तब जाकर हम यहाँ से निकलेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा हम चौनकोट गढ़ी का भी जो व्यू पॉइंट है वहाँ पर भी आपको ले कर चलेंगे, तो करवाते हैं चूल्हे के लिए साफ कर दिया है, ये पतीले से बनाएंगे, कैप्टन साहब प्याज काट रहे हैं, तो मैं थोड़ा लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ, हमें ये हमारी मैगी और पानी की बोतल भी है, पूरी व्यवस्था करके आए थे, तो हम यहाँ पे रुके हैं कुछ इस प्रकार का है। पानी ज़्यादा लगा नहीं हमारा, मैं तो ये बहुत लेंगे मांग तब मेरे वाले यार। इधर दोस्तों प्याज कट गया है, टमाटर उसी वक्त काटेंगे, और इधर जो है आग जलाते हैं, और आज तो हम मैगी बना रहे हैं, नवरात्रे हैं तो आजकल हम लोग तो चिकन वगैरह खाते नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो है हम ऐसे आएंगे तो चिकन ही बनाएंगे। हाँ तो उसे इधर आग जलानी शुरू कर दी है, पतीला भी रख दिया है, मैगी बनाते हैं, हो गया पतीला रख दिया, घर पे भी हम लोग गाली खाने वाले हैं पर हम मैगी खाएंगे घर पे गाली, चलो पक गए शायद, फेंक दो इसमें, पतीला हो गया तेल हो जाएगा, तुम फेंक दो। दोस्तों हम यहाँ पे प्याज भून रहे हैं, पतीला बिल्कुल काला हो गया, घर पे जाके गाली भी खाने वाले हैं हम लोग, पतीले की हालत तो खराब हो गई, बिल्कुल काला हो चुका है, ये देखो एक छोर से बिल्कुल काला हो गया, टमाटर फेंक दिया इसने मैंने, ओहो गिरने के लिए इसको। तो फाइनली ये मैगी जो है हमारी तैयार होने वाली है, और भूख के मारे हालत खराब हो रही है, अभी तो प्याज ही बुन रहा है अभी हमारा, इतनी दूर ऊपर पहाड़ पे खाना बना के खाना, 4 किलोमीटर दूर, 4 तो वहाँ से है जहाँ से हम ऊपर चढ़े थे, उससे तो ज़्यादा है, ये नानू भाई लगे हुए हैं 4 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, 4 किलोमीटर चलो ठीक है, मौसम यहाँ पे ना ख़राब होने वाला है,
हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी बने, तो मैगी तो होने वाली है तैयार। वो भूख कसम से कस के लग गई है, भूख खाने का टाइम हो चुका है। नानू भाई बना रहे मैगी, तो थकावट भी होने लगी अब तो। नानू भाई कैसे लग रहा है अब? सच में जो है थकावट लग रही है। अभी जाना है अभी वहाँ भी तो जाना है, चौनकोट गढ़ी वो तो पार। जब तक पतीला काला ना होगा मैगी का मज़ा नहीं आएगा। है मौसम हो गया बारिश वाला, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। फाइनली जो है अपनी मैगी पक चुकी है और अब हम खाते हैं फिर निकलते हैं आगे के लिए। पतीला तो काला हो गया बहुत ज़्यादा, घर पे बोलेंगे तो जरूर खाते हैं। तो फाइनली खाने की तैयारी हो चुकी है, भूख बहुत तेज लग चुकी है हम लोग। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, अब खाना मिल गया इस जंगल में, इस पर्वत पे। तो आज हमने देखा कि पर्वत रोहण कितना खतरनाक होता है। यहाँ पानी की सुविधा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक आदमी ना आदमी की जात कोई, और जंगली जानवरों का खतरा, खतरनाक जंगल, पहाड़ी बारिश होगी तो हम बच नहीं पाएंगे। तो खाते हैं ना फिर चलते हैं। मजा आ रहा है, स्वाद है। तो फाइनली दोस्तों मैगी हमने खा ली है, और जो हमने यहाँ पे पत्तल उत्तल का यूज़ किया था, मतलब मैगी के जो भी मैगी के मतलब जो पैकेट थे, जो भी हमने मतलब उसे कागज वाला था, हमने यहाँ पे जला दिया है। क्योंकि यहाँ पे गंदगी करना अच्छी बात नहीं है, देखो गंदगी नहीं करेंगे कोई सी भी अच्छी जगह में। ये सब जला दिया और अब निकलते आगे के लिए। मैगी खा के बिल्कुल ही मज़ा आ गया है, तो अब चलते हैं आगे के लिए। हाँ लगता है, मुझे लगता है दो पार्ट तो बनेंगे इस वीडियो के, तो इस पार्ट को मेरे हिसाब से यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट की अभी आगे तैयारी करते हैं।